अद्भुत चीज ऐसा था जिसके बारे में हम साधारण रीति से सोचते हैं लेकिन वो साधारण होता नहीं है। साधारण रीति से सोचते हैं लेकिन साधारण था नहीं वो। मैंने बताया था कि संसार का ज्ञान क्या होता है, यूट्यूब में एक ही चैनल अभी आया है, एक ही पार्ट आया है, दूसरा पार्ट अभी बन चुका है लेकिन वो आने पर है। लेकिन उस दिन जब हमने पिछले बार बात किया था उसमें हमने देखा था पहला क्रंतियों में से कि परमेश्वर हमारे अंदर में या हमारे साथ में जो दुनिया को दुनिया की बातों में से अलग हट करके हमारे साथ कैसा व्यवहार, क्या चीज दिया हमारे साथ। हमने देखा कि ज्ञान जो परमेश्वर का है और सामर्थ्य जो परमेश्वर का है वो दोनों एक व्यक्ति है, इट इज अ पर्सन। हमने देखा ज्ञान कोई भारी वाला चीज नहीं जिसको उठाकर हम घूमेंगे, वरन वो ज्ञान वो था जो ज्ञान से हम बात करेंगे। देयर वॉज अ रिक्वायरमेंट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन अस एंड दैट विजडम। दैट विजडम पार्ट जिसको परमेश्वर ने बोला कि आई विल गिव यू विजडम इफ यू विल आस्क, इसका मतलब है कि परमेश्वर चाहता है वो मेंबरशिप देना हमें, वो मेंबरशिप जिसमें से कि हम इंटरेक्ट कर सके, जब भी हमको कुछ लगे हे प्रभु ये क्या है, इसका अर्थ क्या है, परमेश्वर बोलेगा अर्थ मैं सिर्फ दिखाऊंगा नहीं, बताऊंगा नहीं लेकिन करूंगा। आज उसी में से एक वचन की तरफ मैं बढ़ूंगा, मेरे साथ निकाल लीजिए पहला कुरिन्थियों 4:20। पहला कुरिन्थियों 4:20। कल पिछले बार हमने देखा कि यीशु जो मसीह था वो परमेश्वर का सामर्थ्य था, उसको हम एक बार फिर हम पढ़ लेते हैं उस जगह में। वहां लिखा है पहला कुरिन्थियों 1:24, उसमें लिखा है परंतु जो बुलाए हुए हैं, मैं याद दिलाना चाहता हूं ये उन सब के लिए है जो चुने हुए सिर्फ नहीं है, उससे पहले की बात है कि बुलाए हुए हैं चाहे वो संसार के कोई भी क्यों ना हो, अन्य जाति हो या यहूदी हो, उनके निकट मसीह जो यीशु है परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। हमने ये देखा था उनके निकट मसीह जो यीशु है परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। अब वो एक व्यक्ति है जो हमें, जो परमेश्वर बोलता है हमको, उस व्यक्ति को हमारे अंदर दे दिया उस वो व्यक्ति। तब मैंने बताया था हम हाथ उठाने के बजाय जब ज्ञान की बात आती है अपने पर, ज्ञान क्या क्या चीज के लिए चाहिए, मेरा जिंदगी में प्रभु क्या होगा, मैं आगे क्या, आज मैं फ्यूचर कैसे हम जानेंगे परमेश्वर के द्वारा, फ्यूचर परमेश्वर ने क्या रखा है हमारे लिए। जैसे हम लोग कई लोगों की जिंदगी में हम ऐसे देखते हैं, अन्य जातियों में इजिप्ट वालों के पास जाएंगे तो भविष्य को देखने के लिए उनके पास कोई दुष्टात्मा, कोई देवता, कोई तांत्र तंत्र मंत्र ऐसा था। यदि हम मिश्र वालों के बारे में बात करते हैं, यदि हम इंडियंस के बारे में बात करेंगे तो उनके पास में कुंडली जांचना, एस्ट्रोलॉजी ये सब है, जो भी अन्य देवता उनकी देवताओं के द्वारा से दिया गया चीज है। हम मसीहों के पास में भी भविष्य देखने की कुछ चीज है, लेकिन परमेश्वर ने उसके बारे में क्या बोला है वो आखिरी में हम आएंगे उस जगह में, ना तो जिसमें एस्ट्रोलॉजी होगा, ना इसमें मिश्र की बातें होंगी, ना बेबीलोनियन बातें होंगी। उसमें क्या होगा, उसमें होगा वो जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। इतनी अद्भुत बात है। मैं उसमें और दो चीज को ऐड करूंगा कि हमें परमेश्वर ने असल में किन चीजों के बारे में रखा, जो ताकत की बात है जिसके द्वारा हमको हमेशा दृढ़ता, वो ताकत की बात। जैसे मैंने बताया था कि पिछले बार मेरे को 6 लोगों ने एक बार घेर लिया था और पिस्तौल रख दिया था, तो मेरे अंदर में डर नहीं था, वो घेर लिए थे बोले यही तुमको मार डालेंगे, तो मैं क्यों डर नहीं था, क्योंकि मैं उस परमेश्वर को जैसा जानना चाहिए वैसा जानने के बाद आपके अंदर से डर खत्म हो जाता है। मतलब आपकी जानकारी अगर सही है तो आपके अंदर में ना तो आत्मा का डर रहेगा, ना भविष्य का डर रहेगा, ना फ्यूचर का, भविष्य मतलब फ्यूचर का डर, ना वर्तमान का डर रहेगा, ना आपको किसी, क्योंकि लिखा है कि जिसके पास परमेश्वर की आत्मा है उसको डर की आत्मा नहीं दी गई है। इसका मतलब क्या, डर की आत्मा नहीं दी गई फिर भी हम डरते हैं, अरे एंटीक्रिस्ट आएगा तो क्या होगा, हम डरते हैं, ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, हम डरते हैं।
याद रखिए हम कोई ताकत को ओम रिम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम शुभ पूर्वारोग्यरुकमेव बंधनात् मृत्यु मोक्षेमामृतात् 100 बार 1000 बार 1,00,000 बार नहीं बोल रहे हैं। महामृत्युंजय मंत्र हमको बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम आज उस ज्ञान के अनुसार में उस मंत्र को मंत्र तो वो है जो फॉर्मूला था जिसको लोग बोल बोल के बोलते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हम एक चीज करते हैं, हम जब भी ऐसी बातें आती है हम पलट कर किसी को देखते हैं, वो जब हम उसको देखते हैं तो वो मुस्कुराता है, हम उसको देखकर मुस्कुराते हैं क्योंकि हमारा बचाने वाला हमारे साथ खड़ा है, हमारा देखने हमारा हमारे हमारे जिंदगी में काम करने वाला हमारे साथ खड़ा है। हम प्रयास कर सकते हैं लेकिन जब कोई साथ खड़ा हो तो अभी जैसे मैंने एक महामृत्युंजय मंत्र जो अन्य धर्मों में बोला जाता है ना, उसको मैंने 1000 बार बोला तो भी बोलता 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 बोलते आया तो भी कुछ भी हो सकता है क्योंकि मैं अपने बल अपने ज्ञान पर मैं भरोसा कर रहा हूं। लेकिन यहां पर मैं परमेश्वर ने कुछ ऐसी बातों को दिया है ना, जिसमें कि वो कुछ और चीजों को पर भरोसा, मतलब परमेश्वर ने बोला एक व्यक्ति पर भरोसा करना है जो कभी नहीं मरने वाला। आज मान लीजिए एक शोले का फिल्म है, शोले की फिल्म में एक विलन ने एक बच्चे को पकड़ा हुआ है, उसने बंदूक लगा दिया, मैं इसे मार डालूंगा, तुम में से कोई अगर तो अरे बाप रे इसे मार डालेगा, हम हाथ बांध के खड़े हैं, अचानक मैं सामने जाता हूं, जब जाऊंगा तो मेरे हाथ में भी कुछ है लेकिन वो उसको रखा हुआ मैं चुपचाप हूं लेकिन फिर भी सामने बढ़ रहा हूं, पास मत आना, पास में आएगा तो मार डालूंगा, ऐसा बोल रहा है। मैं जा रहा हूं, मान लो मेरी जगह यीशु जा रहा होगा तो मेरे को रख लो और यीशु को रख लो, हम दोनों इस व्यक्ति बीच में खड़ा है, यीशु जा रहा है मैं जा रहा हूं, दोनों इसके बीच में जा रहे हैं, सामने में विलन खड़ा हुआ है, मार डालूंगा। अब उसने गोली दोनों पर चलाई, मैं तो बचाने वाला मैं भी हूं लेकिन मैं मर गया, यीशु नहीं मरता। ताकत क्या है, वो जो कुछ भी करने पर अब कुचला जाए तो भी नहीं मरेगा, वो हमारे साथ है, इसीलिए हमें डर की जरूरत नहीं है। हालेलुया, इसीलिए डर की जरूरत नहीं है क्योंकि वो बोलता है मैं युगान युग जीता हूं, ये संसार को खत्म हो जाने दो, ये कुछ भी हो जाने दो, मैं युगान युग जीता हूं, तुमको डरने की जरूरत नहीं, देखो मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं, कहां हूं, जब ज्ञान की कमी होगी तो भी साथ है और जब बुद्ध पास्ता सामर्थ की चाहिए तब भी साथ है। उसके बाद में अब हम आगे देखेंगे वहां पर एक और बात, आज जो मैं पॉइंट को लेकर के तीन बातों को बताने की कोशिश करूंगा, वो तीन बात में से एक बात है, उसमें लिखा है, यहां लिखा है कि प्रचार की मूर्खता, मतलब 21वें वचन में लिखा था परमेश्वर को अच्छा लगा कि प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वाला का उद्धार हो, प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों का उद्धार हो। अब मैं एक इसको आप याद रखिए, प्रचार की मूर्खता, प्रचार कैसे करते हैं, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैंने कल क्या बताया, उस समय क्या बताया था, देखो ज्ञान व्यक्ति है, सामर्थ व्यक्ति है, उद्धारकर्ता व्यक्ति है, मार्ग व्यक्ति है, जीवन व्यक्ति है, हमारे लिए सब व्यक्ति है। अब यहां पर लिखा है उद्धार कैसे मिलेगा, प्रचार कैसे करते हैं, बातों के द्वारा। अब मेरे साथ निकाल लीजिए, अब पहला कुरिन्थियों 4:20 क्या लिखा है, 4:20 में, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ में है, क्या लिखा है, सामर्थ
में है। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, परमेश्वर का राज्य बक 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 करने में नहीं, इशू 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 बोलने में नहीं, यीशु उद्धारकर्ता ये है वो है ऐसा बोलने में नहीं, प्रचार तो मुंह से ही करते हैं, लेकिन हम आज तक यही सीखे हैं कि प्रचार हम शब्दों से करते हैं, लेकिन यीशु ने बताया मैं वो रोटी हूं जो खाया जा सकता है। मतलब वो केवल अकल एक शाम को एक अफ्रीकन पास्टर प्रचार कर रहे थे, तो प्रचार करते समय उन्होंने किसी का बारे में पहला यूहन्ना 5:17 के बारे में बोल रहे थे, उसमें कुछ गवाहियां लिखी हुई थी, कुछ बातें लिखी हुई थी। उस समय में वो ये बोल रहे थे कि परमेश्वर वचन है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर साथ था, वचन परमेश्वर था, टक से उन्होंने उसे ले जा करके पहले में जोड़ा, देखो ये सृष्टि कैसे बनी, वचन से बनी, आवाज शब्द, शब्दों वर्ड वर्ड्स में अंतर है। वो जो पास्टर तो हैं, बहुत बड़ी कलीसिया के पास्टर है, बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने एक सीधा सा एक चीज को ऐसा गलत बता दिया जिसमें कि लोगों को लगा हाँ 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 परमेश्वर ने बोला सूरज बन जाए तो सूरज, हाँ शब्दों में बोला ना। कई लोग शब्द को ऐसा मानते हैं जैसा मैं अभी शब्द में बात कर रहा हूं। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, आप अपने दिमाग में सोचिए कि यहां लिखा है परमेश्वर का राज्य, मतलब मैं तो प्रचार की मूर्खता के द्वारा उद्धार मिलता है, प्रचार कैसे करेंगे, शब्दों से करेंगे, शब्दों को बोलेंगे, यीशु के बारे में बोलेंगे, कहानियों को बोलेंगे, कथाओं को बोलेंगे, पुरानी बात को बोलेंगे, आज की गवाही को बोलेंगे, मेरे जीवन में ऐसा हुआ बोलेंगे, अपने जीवन की गवाही को देंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन यहां लिखा है परमेश्वर का राज्य बक 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 बातों में नहीं, लेकिन कुछ 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 सामर्थ में है। अब मैं आपसे पूछता हूं, आपके दिमाग में यह बात का अर्थ क्या निकलता है, परमेश्वर के राज्य बातों में नहीं सामर्थ में है। लेकिन अब इंग्लिश में उसको पढ़ते हैं, वो वाला 4:20 में लिखा है फॉर द किंगडम ऑफ गॉड इज नॉट ए मैटर ऑफ टॉक बट पावर, इट इज नॉट ए मैटर ऑफ टॉक जस्ट वर्ड्स जस्ट अ वर्ड बट पावर। व्हाट डज इट मीन, मतलब हम यहां पर एक चीज को देखना है, परमेश्वर का राज्य क्या है, यहां पर लिखा है एकदम करेक्ट। अब इसको कैसे हम उसको अपने जीवन में एनालिसिस करेंगे। अब यहां जो विजय भैया ने बोला, वो जो शब्द में जब सूरज बन जा तो परमेश्वर की सामर्थ है, वो शब्द परमेश्वर की सामर्थ है, वो बोला वहां तक भी सही है। और आंचल ने बोला कि वो सामर्थ मसीह है, मतलब वो सामर्थ कौन है, यीशु है। अब एक चीज बताइए, अब आंचल के पास यीशु है, उसको यूज कैसे करेगी राज्य के सामर्थ की चीजों में। यीशु ने बोला था तुम जाओ और लोगों पर हाथ रखो और चंगे हो जाएंगे, ठीक है। तब हमको ये सिखाया जाता है, हे प्रभु इसको ठीक कर दे प्रभु, परमेश्वर बोलता है तेरे पास मैं अधिकार दिया हूं तू ठीक कर, तेरे विश्वास नहीं है, तुम्हारे विश्वास का उपाय क्या होगा, विश्वास नहीं है तुमको करो। अब यीशु तो है हमारे पास जो सामर्थ है, लेकिन वो राज्य की सामर्थ यीशु कैसे ऑपरेट करता है, वो सामर्थ हमारे अभी क्या हो गया है, यीशु सामर्थ है ये पता चल गया, लेकिन हमारा उसके साथ जिंदगी में अथॉरिटी सामर्थ नहीं है, अथॉरिटी अधिकार है, लेकिन राज्य तो सामर्थ है, इसका लिंक कैसे होगा, हम कहां मिस कर जाते हैं। चर्च टीचर्स प्रॉफिट्स शिक्षक जो भी है सब सिखा तो देते हैं यीशु सामर्थ है, ठीक है हम मान गए, मैंने भी सिखा दिया यीशु सामर्थ है, मैंने बोला जब कभी भी ऐसी है तो ऐसा ऐसा होता है। आज हम वही देखने जा रहे हैं, आज हम देखेंगे वो जो यीशु सामर्थ है उसको क्या चीज है जो हमारे हाथ में आएगा। बोलना चाहिए ना कि भाई मेरे हाथ, भाई वहां पर दूर में एक बम रखा हुआ है, जब तक तो वो मेरे हाथ में आए वो मेरी ताकत नहीं, वो ताकत अपने आप में है,
परमेश्वर के बारे में अगर पूछा जाए तो बोलेंगे परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, परमेश्वर बहुत ताकतवर है। हाँ भाई, लेकिन मेरे जिंदगी में दिखना है तो मुझे क्या करना है? प्रश्न आता कि नहीं आता? मेरे को तो एक छोटी सी बात कहीं से खबर लगती है, मेरे पसीने छूट जाते हैं और मेरे को परेशानी हो जाती है, मैं बेचैन हो जाता हूं, मैं अरे बाप रे कैसे होगा, क्या होगा, गुस्सा आ रहा, उठा के फेंकने का मन कर रहा है, मारने का मन कर रहा है, भागने का मन कर रहा है, फोन बंद करके रखने का मन कर, मेरे से बात मत करना, रोने का मन कर रहा, सब कुछ कर रहा है, फिर बाद में माफी मांगने का भी मन कर रहा है, बहन माफ कर दे, भाई माफ कर दे, माँ माफ कर दे, मेरे ना बेचे मैं थोड़ा सा परेशान हो गया था, मैं परेशान हो गई थी, ए भाई मम्मी आपने ना ऐसा क्यों बोला, पप्पा आपने ऐसा क्यों बोला, बेटा तूने ऐसा क्यों बोल दिया मेरे को, तूने मेरे को तुच्छ जाना। कितनी बेचैनी हो जाती है, क्योंकि कुछ क्या है असली ताकत, क्या है अभिमान। अभी मेरे हाथ में एक पिस्तौल दे दिया गया, ठीक है, और ऑटोमेटिक पिस्तौल है, इसको चलाने से बहुत मेरे को सुरक्षा मिलेगा, लेकिन दे दिया, बेटा जब भी हो इसको इस्तेमाल करना, रख लेना, मैं रख लिया। अब जब कोई आ गया सामने और चार लोग मेरे को घेर लिए, मार देंगे मार देंगे, मैं निकाला बंदूक, अगर वो थोड़ा डरपोक है तो उस बंदूक को देख के भागेंगे। अब वो भी समझदार है, बोलेगा बेटा बंदूक तो ले लिया, चलाना आता है, लॉक कैसे खोलते हैं बता, लॉक कैसे खोलूं मैं पता नहीं। यीशु सामर्थ है, हमने जान लिया, ज्ञान है जान लिया, आ गया जान लिया हमें। हाँ, मैं अभी हाल ही में मेरे कल के परसों के टीचिंग में से एक गलत इंफॉर्मेशन किसी को पहुंच गया, किसी ने बोला कि हमको हाथ उठा के प्रार्थना करने की जरूरत ही नहीं है, अब हमको क्या करने की जरूरत नहीं है, हाथ उठा के प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, हमको आराधना करने की जरूरत नहीं है, हमको गाना गाने की जरूरत नहीं है। मैंने ऐसा नहीं बोला था, मैंने बोला था जब कभी भी कोई ज्ञान की जरूरत हो और सामर्थ की जरूरत हो तो ऐसा करके हे प्रभु बोलने के बजाय अब घुटने में जाओ और हे प्रभु बोलो, तुम्हारे अंदर का जो परमेश्वर जो सामर्थ और ज्ञान जो तुम्हारे अंदर में व्यक्ति की रीति से पिता पुत्र पवित्र आत्मा की ओर से तुमसे होकर बात करेगा। जब तुमको पवित्र आत्मा के बपतिस्मा की जरूरत है, हे प्रभु मुझे बपतिस्मा दे बोलने के बजाय, हे प्रभु मैं अपनी गलतियों को मान लिया हूं, मैंने तुझे प्रभु ग्रहण कर लिया है, अब तू मुझे तैयार कर और मुझे अपनी आत्मा से भर बोलने की जरूरत है। इसका मतलब आराधना नहीं करना है, गाना नहीं गाना है, हाथ उठा के प्रार्थना नहीं करना, ऐसा नहीं है। यहां हमें जो दिया गया, याद रखिएगा ये बात को, परमेश्वर जो हमें मिला वो अनुग्रह और दया में उसका एक अंश मिला है। अंश का मतलब पूरा पूरा परमेश्वर है ज्ञान का, लेकिन हमें आज की जरूरत के अनुसार, अब की जरूरत के अनुसार से हमें दिया गया है। जैसे डॉक्टर सिर दर्द हो रहा है, डॉक्टर साहब मुझे बहुत सिर दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर नहीं बोल देता मैं फाइजर कंपनी को तेरे नाम कर देता हूं, जब भी सिर दर्द हो जाके ले लेना, ऐसा नहीं बोलता। फाइजर कंपनी हमारे नाम से नहीं करता, स्वर्ग राज्य को उठा करके पूरा पूरा देख करके ले, क्योंकि तेरे को एक सिर दर्द हो रहा है तो डॉक्टर बोलेगा एक गोली खाना। क्यों डॉक्टर साहब, मैं एक ही बार में 10 खा लूंगा तो 10 महीने का एक ही बार में पूरा हो जाएगा? नहीं, बहुत सारी बातें हैं जो हमें परमेश्वर हमारे अनुसार, हमारे विश्वास के परिमाण के अनुसार, हमको जितनी जरूरत है उसके अनुसार। अभी कंकु जो है अभी जाने वाली है दिल्ली, ठीक है, अब उसकी मम्मी बोलती है बेटा तू दिल्ली जा रही है, चल मैं एक बोरी तेरे को ना खा पैसा भर के देती हूँ, ले इसको उठा और ले। मम्मी इतना खर्च नहीं होगा, मुझे नहीं चाहिए। अरे क्यों, दिल्ली जा रही है, खर्च तो होगा ना, तो क्या पूरा मैं पूरा जन्म भर का उठा के ले जाऊं क्या, वो बहुत बोझ हो जाएगा। परमेश्वर हमको उतनी देता है, उसके याद रखिएगा ये, मैं जब बात करता रहूंगा तो बीच बीच में परमेश्वर के तरीके, परमेश्वर कैसा करता है और परमेश्वर का फॉर्मूला बताता जाऊंगा, परमेश्वर क्यों हमें किसी को कम किसी को ज्यादा देता है। यदि हम अपने पात्र को जितना बड़ा करते हैं और उसके सन्मुख में चले जाते हैं, वो देखेगा ये लालच में आया कि जरूरत में आया।
इसको आवश्यकता है कि नहीं है। गाड़ी के अब कार को देखेगा, अब मेरे कार में 32 लीटर 35 लीटर डीजल भर सकते हैं, क्यों भाई 100 लीटर डीजल क्यों नहीं, कार में तो डीजल हमेशा होना चाहिए ना। नहीं नहीं, बीच में और भरना पड़ेगा, बीच में और चाहिए। तो उसमें हम कभी कभी परमेश्वर को सोचते हैं, एक बार मिला हमेशा के लिए हो गया। हाँ, एक बार मिला हमेशा हम उससे लेन देन करने के लिए हो गया, लेकिन लेन देन करना जरूरी है, हमारे कर्तव्य को पालन करना। हमको उसकी आराधना स्तुति अलग चीज है, प्रार्थना अलग चीज है, विश्वास अलग चीज है, लेना अलग चीज है, देना अलग चीज है। यहां पर हम जो देखेंगे, हमके बहुत आज जो बात करने वाला हूं ये बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट है, जो सबको अगर मैं पूछूंगा तो सबको पता है, लेकिन वैसा पता नहीं जैसा होना चाहिए। सबको पता है जो मैं पूछने वाला हूं या फिर जब मैं बताऊंगा, लेकिन उसका अर्थ हो जाएगा, जब आप उसका अर्थ समझ में आ जाएगा वही आपकी सामर्थ्य बन जाएगी। कैसा? कभी कभी किसी चीज का ज्ञान हमारे लिए सामर्थ्य बन जाए, ताकत बन जाता है। तो यहां पर कैसा है, यहां लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ्य में है। 4:20 में लिखा था, इंग्लिश में एक बार हम फिर से देखेंगे, फॉर द किंगडम ऑफ गॉड इज नॉट द मैटर ऑफ वर्ड्स, लिखा है आपके इसमें, मेरे इसमें लिखा है मैटर ऑफ टॉक, दोनों एक ही है, इट्स नॉट द मैटर ऑफ वर्ड्स। अब हम आगे देखेंगे कि उस मैटर ऑफ वर्ड्स नहीं तो सामर्थ्य है। सामर्थ्य यीशु मसीह में किया है। अब मेरे साथ निकाल लीजिए 1 कुरिन्थियों 2:4, यहां लिखा है, और मेरे वचन और मेरे प्रचार में, ये पौलुस बोलता है, पौलुस कह रहा है, मैं जो वचन बोल रहा हूं और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभावने वाली बातें नहीं परंतु आत्मा और सामर्थ्य है, इसीलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं पर परमेश्वर की सामर्थ्य पर निर्भर हो। अर्थात ये सामर्थ्य की जगह यीशु लिख लेते हैं, सामर्थ्य की जगह हम क्या करेंगे, यीशु लिख लेंगे। फिर से मैं पढ़ता हूं, और मेरे वचन, पौलुस के वचन या रवि सॉलोमन के वचन या डैनियल ब्रदर के वचन या सोडी ब्रदर के वचन या सदन ब्रदर के वचन, जो भी वो बोलते हैं, यदि वो बातें और आत्मा लुभाने वाली बातें हो तो वो परमेश्वर में आत्मा और सामर्थ्य नहीं होगा। इसीलिए कि तुम्हारा अगर उनको अगर आत्मा और सामर्थ्य होना है तो क्या होना चाहिए, आत्मा और सामर्थ्य क्या होना चाहिए, वहां लिखा है, इसीलिए तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर के सामर्थ्य पर निर्भर हो। परमेश्वर की सामर्थ्य मैंने क्या बताया, आंचल ने क्या बताया, बोला मसीह यीशु। अब मसीह यीशु हमारी सामर्थ्य कैसे है, याद रखिएगा, मैंने बताया था, जब एक लड़के को ऐसा बंदूक रखकर गोली रखकर लगाकर मार देंगे मार देंगे मार देंगे बोल रहे थे, तो दो व्यक्ति चल रहे थे, तो उसमें से एक कभी नहीं मरेगा और एक मर जाएगा, मैं मर जाऊंगा अगर गोली पर चलाएंगे, वो नहीं मरेगा। अब उसमें से ये ताकतवर हुआ, ये ताकत होते हुए भी लिमिटेड है इसकी ताकत, इसका अनंत काल का ताकत है। तो यहां पर क्या लिखा है, परंतु तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परमेश्वर की सामर्थ्य पर निर्भर हो। अब उसी का दो पढ़ दीजिए, अभी यहां लिखा है कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ किसी भी बात को ना जानो। पौलुस जब इस बात को कह रहा है तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ, जब भी वो परमेश्वर की सामर्थ को यीशु बता रहा है बड़ी जिम्मेदारी के साथ, मतलब उस चीज को छोड़ जो क्रूस की कथा है या क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह। अब एक प्रश्न उठता है यहां, सबके मन में प्रश्न आता है, बहुत सारे लोग मन में नहीं है, बहुत सारे लोग बिना अर्थ को जाने प्रश्न पूछना नहीं चाहते और उस मानना चाहते हैं, हाँ प्रभु तो क्रूस पर चढ़ाया गया मैं मानता हूं और मैं, लेकिन उनके जीवन में वो सामर्थ्य दिखाई नहीं देगा जो ऐसा विश्वास करता है। कैसा विश्वास, उनके जीवन में उद्धार तो है
दे आर सेव्ड, दे विल बी सेव्ड, दे आर सेव्ड, दे विल बी सेव्ड, दे आर ऑलरेडी सेव्ड, बट दैट डजंट मीन दे हैव पावर. बट द किंगडम ऑफ गॉड इज नॉट बाय वर्ड्स एंड टॉक्स बट पावर. वॉट इज दिस पावर? हमारे लिए पावर का मतलब हो सकता है बिजली. अरे पावर चली गई, बिजली चली गई, सब चीज बंद हो गया. पावर का मतलब मनी, पैसा नहीं है, सब खत्म हो गया, अब कैसे करेंगे. ऐसा ही यहां एक पावर है, यहां एक सामर्थ है जिसको जाने बगैर उद्धार तो मिलेगा लेकिन राज्य में हारा हुआ महसूस करेंगे. इसको बताने से पहले भी एक और बात को बताकर फिर वापस इसमें आऊंगा. उसमें परमेश्वर बोलता है, पहला कुरिन्थियों 3:22 पढ़ लीजिए. मैंने क्या बोला था, यदि ये बात जान जाएंगे हम मसीही लोग जो यीशु पर विश्वास करते हैं वो बहुत अच्छा करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बिना पावर के आप अगर जिंदा हैं, मान लीजिए आपके घर में 2 वक्त की रोटी राशन से आ जाता है, दूध आ जाता, किसी ने दे दिया, सब कुछ आ जाता है, तो भी बच्चे माँ बाप से खुश रहते हैं क्या? वो पूछते हैं, अरे मम्मी पापा आप लोग मेरी इच्छा को पूरा नहीं कर सकते. फिर क्या मतलब है जिंदगी जीने का? खाना तो जानवर भी खाता है, फिर मैं भी जिंदा हूं वो भी जिंदा, तो क्या मतलब है? कम से कम खुशी तो हो किसी दिन, कम से कम कुछ हो तो सही. यदि मैं आज जो बात बोल रहा हूं उसको आप ले लेते हैं वैसा जैसा लेना चाहिए, अगर वो शिक्षा सही लग रही है, तो तब आपका वर्तमान, जैसे मैं पढ़ देता हूं, क्या रवि सोलोमन, क्या रितम्रा, क्या चेतन, क्या टिन्नी, क्या दुनिया, क्या जीवन, क्या मरण, क्या वर्तमान, क्या भविष्य, हमारा सब चीज ये सब किसका है? तुम्हारा है. इंग्लिश में लिखा है, वेदर पौलुस और अपोलोस और सेफास और वर्ल्ड और लाइफ और डेथ और प्रेजेंट और फ्यूचर ऑल आर यूअर्स. कितने लोग ये वर्ड समझ में आ रहा है? सब हमारा है, मतलब ये हमारे हाथ में है. जीवन हाथ में है, मृत्यु हाथ में है, कोई इंसान है उसके पीछे हम नहीं भागेंगे, वो भी हाथ में है, चीजें भी हाथ में है, जगत भी हाथ में है, जीवन भी हाथ में है, सब हमें, ये सब तुम्हारा है. तुमको मेरा फ्यूचर, व्हाट विल बी माय प्रेजेंट, व्हाट विल बी माय फ्यूचर, चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी यदि आप परमेश्वर के मसीह जो आपका सामर्थ्य और ज्ञान है उसको इस तरीके से समझेंगे. मैंने क्या बताया, मसीह यीशु सबका उद्धार करता है लेकिन सबके लिए सामर्थ्य बनकर काम नहीं करता है. ब्रदर ऐसा क्यों होता है कि आप ना ऐसे कैसे कुछ चीजों को बोल देते हैं, ऐसे कैसे चीजें हो जाती हैं, ऐसे बड़ी बड़ी बातें कैसे हो जाती हैं, ऐसी बातें का चीज कहां से होता है? इसको बोलता है परमेश्वर कि ये सब किसके हाथ में है? हमारे हाथ. भविष्य भी हमको चिंता नहीं कर, हमको अरे मेरा भविष्य कैसा होगा, मेरा वर्तमान में क्या होगा, पास्ट की बात नहीं कर रहा है. जीवन मरण भी हमारे हाथ में, मतलब क्या, मरण भी. याद रखिए हम ही इस पूरी संसार में वो लोग हैं जो मृत्यु को भी अपने हाथ में रखे हैं. वो भी कौन सा मृत्यु मालूम है? शरीर का मृत्यु तो ट्रांसिशन है, असली मृत्यु तो अनंत काल का मृत्यु है. हालेलुया. असली मृत्यु को हमने अपने हाथ में रखा, इससे बड़ी ताकत, इससे बड़ी ताकत क्या हो सकता है? मिस्टर इंडिया पिक्चर देखिए, मिस्टर इंडिया पिक्चर में जब मिस्टर इंडिया घड़ी बनाता है और उस घड़ी को ऐसा चालू कर देता है, जैसी चालू करता है गायब हो जाता है. गायब होने के बाद नहीं दिखना उसकी ताकत थी, लेकिन लाल वाला जैसी लगाते थे वो दिखना शुरू हो जाता है, ये हाँ है चल मारो. अगर उस मिस्टर इंडिया को मौत के ऊपर और नरक के ऊपर भी अगर उसको कुछ चीज दे दिया जाए तो उससे बड़ा ताकतवर फिर कौन होगा?
वैसा हमको ऑलरेडी दे दिया गया है। अब यीशु मसीह जो आंचल ने बोला कि मसीह यीशु हमारी परमेश्वर के राज्य में सामर्थ है, उसको जानना सिर्फ नहीं, उसकी चीजों को समझना और समझने के द्वारा वो सामर्थ हमें मिल जाता है। वो अभी आज से कई साल पहले जब कॉलरा होता था या फिर डायरिया हो जाता था, लोग परेशान हो जाते थे, पेट पकड़ पकड़ कर मर जाते थे। आज हमारे पास एंट्रोक्विनोल करके एक टैबलेट है ना, वो क्या डिस्टर्ब करके एक टैबलेट, हम उसको हाथ में रखते हैं, बोलते हैं अरे पेट दो खाऊंगा तो ठीक हो जाएगा। हमारे पास क्या है आज, वो ताकत है, वो जानकारी, वो अंडरस्टैंडिंग है। यहां पर जैसे दवाई वहां अंडरस्टैंडिंग थी, बुखार आ गया कोई भी क्या बोलता है, कालपल खा लो भैया, पैरासिटामोल लिए, डोलो 650 पूरे कर्नाटक के अंदर में या फिर कहीं भी इंडिया में जाएंगे डोलो 650 सबको पता है, डोलो 650 खा लो ना, हमने डोलो 650 खा लिया। धीरे 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 अभी कोरोना आने के बाद में जिंक कोविड सबको पता है, जो दुनिया में किसी को भी नहीं पता था आज सबको पता है, अरे वो खा लो, ऐसा बोलेंगे जैसा कि वो खुद डॉक्टर है। ठीक है, मैं भी ऐसे ही बोलता हूं जैसा मैं खुद डॉक्टर हूं। तो कहने का मतलब क्या, जानकारी किसी चीज का होना भी एक ताकत है, और वो ताकत कैसे काम करता है, ये राज्य में प्रवेश और स्वर्ग में प्रवेश दो अलग अलग बात है। स्वर्ग राज्य और परमेश्वर का राज्य है एक ही चीज, लेकिन अलग अलग, एक स्थान है, एक प्रक्रिया है, एक सिस्टम है जहां पर उसको लेके हम कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन एक जगह है। हमारा यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा, क्रूस पर की कथा को समझने के द्वारा हमारा उद्धार हो जाता है, लेकिन उसको अगर हम समझकर उसको, उस सामर्थ को हम अगर समझ जाएं जैसा समझना चाहिए, अगर उसको गलत तरीके से समझेंगे तो उतनी कमजोरी हमारे हाथ में होगी। अब मेरे साथ निकाल लीजिए उसका पहला अध्याय 18वां वचन, 1:18 ऑफ रेवलेशन। यहां लिखा है मैं मर गया था, अब देख मैं जीता हूं, नहीं लिखा है, क्या लिखा है, युगान युग जीता हूं और मृत्यु और अधोलोक की कुंजी मेरे पास है। किसके पास है, यीशु के पास है। कौन मर गया था, कौन मर गया था, वो जो यीशु मसीह। फिर कौन जी उठा, वो जो यीशु मसीह था। आज कौन सामर्थ है, वो जो यीशु मसीह था। यीशु मसीह सामर्थ क्यों है, क्योंकि यीशु मसीह सामर्थ क्यों है, क्योंकि क्रूस पर चढ़ाया हुआ यीशु मसीह ने दो चीज किया। अगर वो नहीं किया होता तो यीशु मसीह हमारे सामर्थ, हमारी ढाल और हमारा उद्धारकर्ता नहीं बन सकता था। वो बोलता है कि देखो वहां लिखा है मैं जीवता और मृत्यु और अधोलोक, पाप की मजदूरी मृत्यु है, उसकी की उसके हाथ में है, और अधोलोक जहां पर जाकर के दंड दिया जाएगा, मतलब अधोलोक जहां पर तुमको जाकर ठहराया जाएगा, उसकी कुंजी भी उसके हाथ में है। बोलता है और मैं युगान युग जीता हूं। क्रूस की कथा अगर हम जैसा समझना चाहिए नहीं समझेंगे तो यीशु उद्धारकर्ता तो रहेगा, लेकिन जयवंत प्रभु हमारी जिंदगी में नहीं कार्य कर पाएगा, क्योंकि जैसा हम विश्वास करते हैं वैसा ही सामर्थ्य भी प्रकट होता है। अगर हम विश्वास करते हैं तू मेरा उद्धार करता है, तू मुझे बचाएगा, तो फिर हम बचेंगे नहीं, हम अनंत काल में बच जाएंगे, लेकिन संसार में जयवंत जीवन, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। यहां लिखा है देखो मैं मर गया था, अब मैं जीवता हूं युगान युग के लिए, मेरे हाथ में मृत्यु और अधोलोक, ये दो ऐसी चीज है जिसके द्वारा से शैतान काम करता है। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैं एक वचन देख रहा था,
उस वचन में ऐसा लिखा था कि देखो परमेश्वर यीशु ने क्या किया, उसके अधोलोक के ऊपर जिसकी कुंजी शैतान के हाथ में थी, आज उसके द्वारा सो डराता था। एक यूट्यूब में एक चैनल था, चैनल है, उसमें एक्सपोज वीडियो आता है, उसमें एक लड़का आता है, बोलता देख मेरे पास तेरा वीडियो रखा हुआ है, पैसा दे। जब तक ये वीडियो था पैसा ये देती रही, एक्सपोज वीडियो में उसका एक वीडियो बन गया, उस वीडियो को रखकर इस वीडियो को डिलीट करा दिया। मतलब वो जो छुपा हुआ कैमरा के द्वारा से जो वीडियो बना, उसके द्वारा से इसका जो वीडियो था वो काम का नहीं रहा। आज तक वो 2 लाख 4 लाख पैसा लूट चुका था अपने वीडियो को रख करके, लेकिन जैसे ही उसके बाप का वीडियो आ गया, उसका बड़ा वीडियो आ गया, जब उसका खुद का आ गया, तो उसका वीडियो का ताकत खत्म हो गया। इसी प्रकार क्रूस की कथा हम विश्वासियों के लिए सबसे 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 इंपॉर्टेंट है। जैसा विश्वास करना कि यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया, तो वहां किया क्या उसने? कल मैं किसी से बात करते समय इसके बारे में बता रहा था कि यीशु ने बोला कि देख आ, लोग पूछते हैं कि यीशु को मरने की क्या जरूरत पड़ी, क्यों उसको मरने की जरूरत पड़ी, क्या जरूरत है, वो तो अपने मुंह से फूंक करके भी मार सकता है, मुंह से फूंक कर मार सकता है, लेकिन जिसको हमने खोया, आदम ने जिस जीवन को खोया, उसको परमेश्वर बोलता आज वो तुम्हारे साथ तुम्हारे पास है। जैसे मैंने पढ़ा पहला कुरिन्थियों में क्या पढ़ा, पहले हमारा वर्तमान, हमारा भविष्य और हमारा जीवन, ये जगत और हर प्रचारक और हर इंसान शैतान के हाथ में थे, आज वो सब परमेश्वर के हाथ में, परमेश्वर ने हमारे हाथ में दिया। वहां लिखा ना, जैसे मैंने पढ़ा था पहला कुरिन्थियों 3:22 में कि क्या अपोलोस, क्या कैफा, क्या जगत, क्या जीवन, क्या मरण, क्या वर्तमान, क्या भविष्य, सब तुम्हारा है आज, क्योंकि मृत्यु जिससे तुम डरते थे, ये लोग किससे डरते हैं, मृत्यु से डरते। कौन सा मृत्यु? शरीर की मृत्यु से भी लोग नहीं डरते ज्यादा, सबको पता है शरीर के बाद हम फिर से जन्म ले लेंगे, ऐसा सोच लेते कुछ लोग, उनके पास उपाय है, उनके पास ज्ञान, उस टाइप का ज्ञान रख के बैठे हैं, अरे हम तो फिर से जन्म लेंगे, चलेगा, कोई बात नहीं, हमको डर नहीं लगता, हमको किसी बात से डरने की जरूरत नहीं। असल में जिसको डरने की जरूरत नहीं वो है जो क्रूस पर चढ़ाए हुए। इसीलिए यहां पौलुस बोलता है, पौलुस क्या बोलता है, पहला कुरिन्थियों 2:2 में कि मैंने ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को न जानूं। ये हम भी ठान ले अपने जिंदगी में, यीशु के पीछे चलने का असल मकसद यह है कि वो जिसने मृत्यु को और अधोलोक को, जहां पर लोगों को जाने का डर है, the gates of hell shall not prevail upon the church, उसका मतलब ये नहीं कि तंत्र मंत्र नहीं होगा, इसका मतलब है कि दंड नहीं आएगा, तुमको डरने की जरूरत नहीं है, करेंगे लोग तो होता है, लेकिन परमेश्वर उसमें से बचाता, क्योंकि तुम्हारा, इसे यहां पर क्या हुआ, परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं वरन किसमें है, सामर्थ्य में है, और सामर्थ्य किसमें है, सामर्थ्य यीशु में है, लेकिन कैसा है, क्रूस की कथा में है। क्यों है? क्योंकि उसने मृत्यु को और अधोलोक को, उसका कुंजी, उसका चाबी हमारे हाथ में। चाबी का मतलब होता है कई जगह में सीक्रेट्स। अगर आपको किसी चीज का सीक्रेट पता हो तो आप कहीं से भी घुस सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपको, आपके पास कुछ औजार हो, चाबी हो, आप खोल सकते हैं, आप कोई भी चीज का, बुद्धि का ताला खोल सकते हैं, मिस्ट्री का ताला खोल सकते हैं। परमेश्वर ने राज, परमेश्वर के राज्य में यहां पर लिखा है कि उसने हमारे अंदर पास सीक्रेट्स के ताले को उसने खोल दिया, उसने क्या कर दिया, सीक्रेट्स के ताले को खोल दिया। अब यहां पर फिर से हम देखते हैं, इसीलिए बोलता है 6:7 को पढ़ेंगे, 7:2 पहला कुरिन्थियों 2:7, परंतु हम परमेश्वर के गुप्त ज्ञान
भेद की रीति पर बताते हैं, जिससे कि परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया है, जिससे इस संसार के हाकिम में से किसी को नहीं मालूम। सबको यह मालूम है, अरे ईसाई लोग कहते हैं उद्धारकर्ता यीशु है, उद्धारकर्ता मतलब मर के फिर उसके बाद नरक नहीं जाएगा। यहां तक नहीं, परमेश्वर का राज आने वाला नहीं, आ चुका है। याद रखिए, हम गलत फहमी में ना जाएं, परमेश्वर राज आने वाला नहीं है, स्वर्ग राज्य आने वाला है, परमेश्वर का राज्य आ चुका है। जिस दिन यीशु संसार में आया, परमेश्वर का